नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जसवीर सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ईजीवे में। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम 4:1 का मल्टीप्लेक्सर बनाते हैं। यहाँ पर हमने 9 वोल्ट की बैटरी यूज की है क्योंकि हमारा पूरा सर्किट 5 वोल्ट पर ऑपरेट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर LM7805 रेगुलेटर का यूज किया है जो कि 9 वोल्ट को 5 वोल्ट में रेगुलेट कर देता है। यहाँ पर हमने 4 IC यूज किए हैं जिसमें कि पहली IC हमारी 7404 IC नॉट गेट की IC है और हमारी यहाँ पर 2 IC यूज किए जो कि 7408 IC एंड गेट की IC है। जो हमारी चौथी IC वो हमने 7432 IC यूज किया जो कि एक और गेट की IC है। यहाँ पर हमारी इस LED पर आउटपुट शो होगा। ये हमारे 4 इनपुट्स हैं I0, I1, I2, I3 और यहाँ पर हमने डेटा सेलेक्शन के लिए 2 इनपुट्स दिए हैं जिसमें कि S0, S1 हम यहाँ से डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा इनपुट हमारा आउटपुट पर दिखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये किस तरीके से पूरा सर्किट वर्क करता है। ये हमने बैटरी लगा दी है, इनपुट आ रहा है, हमारा पूरा सर्किट ऑन हो गया है। तो इस टेबल के अनुसार हम देखेंगे ये पूरा सर्किट किस तरीके से काम करता है। जब हमारे इनपुट 0 0 होते हैं तो हमारी I0 की वैल्यू आउटपुट में जाती है। देखेंगे यहाँ पर हमारा S0 भी 0 है और S1 भी 0 है, तो I0 की वैल्यू हमारी आउटपुट में शो हो रही है। इसके अलावा हमारी कोई भी वैल्यू आउटपुट में नहीं आ रही है। जैसे ही हम S0 को 1 करेंगे इसका मतलब यहाँ पर हमारी 0 1 की वैल्यू है, जो 0 1 पर जो हमारा आउटपुट आता है वो I1 आता है। I1 हमारा आउटपुट शो हो रहा है, इसके अलावा हमारा कोई भी आउटपुट आउटपुट पर नहीं आ रहा है। अब हम S1 1 कर कर देखेंगे और S0 0 कर कर देखेंगे तो हमारा I2 आउटपुट में आता है। इसके अलावा हमारे जो अदर इनपुट्स होते हैं उसका कोई भी आउटपुट शो नहीं होता है। वैसे ही जब हमारा S0 1 होगा और S1 भी 1 होगा तो हमारा I3 आउटपुट पर आता है, उसके अलावा हमारे अदर इनपुट्स आउटपुट में नहीं आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। आप इसका सर्किट डायग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।